स्वागत करता हूं मैं आपका एक और ब्लॉग में। आज है महाशिवरात्रि, तो हम उसी पावन अवसर पे जा रहे हैं मंदिर, और मेरा बेटा भी जा रहा है। इसकी पहली शिवरात्रि है, ये इधर छुपा हुआ है, और इसकी भी पहली शिवरात्रि है। ये मेरे साले की लड़की है, नौमिका शर्मा, बहुत खुश होती है। तो अभी मंदिर जा रहे हैं, आपको मंदिर दिखाते हैं, करते हैं कुछ पूजा और बहुत सी बातें। बोलो चाचे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोटो यहीं से मिल जाएगा। हर हर महादेव। तो अभी हम पहुंच चुके हैं परमाणु में, और यहाँ पे मेरे कुछ मित्रगण, मेरे प्रिय जन मिल चुके हैं हमें, जो शिवरात्रि की पावन बेला पे अब जा रहे हैं भूरेश्वर महादेव, जो कि है नाहन डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ से हम परमाणु में अभी यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे है। तो मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। इधर है हमारे जैक बाबा, हेलो, जय महाशिवरात्रि। और इधर है रोहित जी, हेलो, जय बोले। और ये है मेरे हर हर महादेव कजन ब्रदर कम दोस्त आशीष जी, इनसे आप पहले भी मिले होंगे। तो अभी यहाँ पे गाड़ियों की रिपेयर चल रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। इधर गाड़ी की रिपेयर कर रहे हैं रोहित जी, अभी गाड़ियाँ चेक हो रही है आगे जाने से पहले। यहाँ पे इंजन ऑयल वगैरह चेक किया जा रहा है। तो अभी हम चलेंगे, अभी इधर दूसरी गाड़ी हमारी रेडी हो रही है, HP 10A 2732। ये हमारे दोस्त नितिन जी की गाड़ी है, तो यहाँ पे दोस्त हमारे रेडी हो रहे हैं सारे जाने वाले। हेलो कर दो सारे, आप सब वीडियो में आएंगे। तो ये सारे दोस्त हमारे रेडी हो गए, बस अब निकल रहे हैं हम। बोलो जय महादेव। परमाणु के शहर से होते हुए निकल रहे हैं हम परमाणु की गलियों में। जैक बाबा जी फ्रंट सीट पे हैं, हमारे ड्राइवर उस्ताद। बोलो शंभुनाथ की। कालका बस स्टॉप से परमाणु, परमाणु से चक्की मोड़, चक्की मोड़ से दूसरा रोड लेंगे और भोजनगर होते हुए नाहन हाईवे, और नाहन हाईवे पे भूरेश्वर महादेव। ऊपर हाईवे है, वहां से हम नीचे आ गए हैं। क्या 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 बता रहे थे बताइए जरा। मैं बता रहा हूँ यहाँ से गड्डी कई बार नीचे भी आ जाती है सीधी, उसमें बंदा कम से भी बचता है। 14 किलोमीटर उत्कृष्ट दृश्य है यहाँ के विहंगम एकदम। पुल अपना अभी बस 2 साल पहले बना है, और आप इसका नजारा देख ही सकते हो भाई। आज के गाइड हमारे जैक बाबा है। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। चक्की मोड़ से नीचे की तरफ आए, और जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है भोजनगर, उसके बाद आएगा कौन सी जगह आएगी, जोड़जी, जोड़जी, और उसके पश्चात आएगा हमारा
भुरवेश्वर महादेव। ये है भोजनगर। तो हाईवे से मुड़ने के बाद जो सबसे पहला एक छोटा सा टाउन कस्बा है, यहाँ पे सारी जरूरतों की चीज़ें मिलती हैं, वो है भोजनगर। भुरेश्वर महादेव तो बागवा से कटना है आपने 2 किलोमीटर ऊपर बानवा पानवा नहीं वो पानवा अच्छा पानवा तो नैन टिकर से थोड़ा आगे जाके नाहन रोड पे जो सोलन की तरफ से आ रहा है वहाँ से आपने जाना है नैन टिकर और नैन टिकर के बाद पानवा से आपने 2 किलोमीटर के लिए कटना है भुरेश्वर महादेव के लिए। भुरेश्वर महादेव शंभु। ये मिट्टी का क्रशर क्यों बना है? पहाड़ी खत्म कर देना। सही पकड़े हो। भुर भुरमेश्वर महादेव शंभु। बहुत ठंडी हवाएं चल रही है भाई साहब इधर। ये लगी बुढ़ बुढ़ गाड़ी वो 2 पहिया वाहन इससे आगे ना ले जाए। लोगों ने भी तो इंडिया के लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही जुगाड़ू होते हैं। ये है यहाँ पे बोर्ड जिस पे लिखा है गाड़ी वो 2 पहिया वाहन इससे आगे ना ले जाए। ये बोर्ड है और वो गाड़ियाँ। तो भुरेश्वर महादेव हम पहुंच चुके हैं। मेरे सामने भुरेश्वर महादेव का मंदिर है और इस तरफ ये पीछे को है खाई। बहुत खाई है नीचे। मैं थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ आपको पीछे। भाई साहब बहुत थल्ले गिरेगा तो जाएगा बंदा। बहुत खाई है नीचे। डर लग रहा है। मैं थोड़ा पीछे खड़ा हूँ। ये देखो आप पीछे नज़ारा पहाड़ों का नज़ारा। आते नहीं कोई पीछे। ये नीचे पूरी खाई इससे आगे पूरी खाई है। तो ये है कुछ खाई। मेरे तो पैर ही कम भी है। इससे आगे नहीं जा पाऊंगा मैं। मेरे तो पैर कांप रहे पहले भाई। बहुत ही खाई है नीचे को। नीचे एकदम मस्त नजारा।
माता जी ने मांग लिए प्लस टू पास होनी चाहिए बच्चे की। पढ़ेगा पढ़ेगा इस बार। वीडियो लेना हाँ यार क्या हुआ चुट रहा जिसका हवा में उड़ गया ना सिक्का जिसका हवा में उड़ गया बोले उसको सब मिलेगा। मांगो जो मांगना है अंबानी बनना है अडानी बनना है कुछ भी बनना है फेंको सिक्का हवा में उड़ता हुआ जाएगा तो सोच लो बन गया। मोहित का सिक्का जा रहा है नहीं उड़ाए तो ले चला गया टिकना चाहिए सिक्का मोहित का नहीं टिका जिसका सबसे आगे जाएगा जिसका सिक्का सबसे आगे गिरेगा वो फेवरेट है बोलेगा सिक्के खत्म हो गए चलो नहीं एक बंदा तो थल्ले बैठा रहे हो सिक्के पूरा दिन आज शिवरात्रि दिन था 1000 रुपए की छंड तो होगी थल्ले कट्टी महादेव में बहुत तेज़ हवा चलती है ठंडी ठंडी शायद कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा होगा बहुत ही तेज़ ठंडी हवा चलती है और व्यू बहुत ज़बरदस्त दिखता है। तो आप भी आए भुरेश्वर महादेव। इस ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं और हमारे बाकी दोस्त उस तरफ बैठे हैं।